नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। उत्तराखंड में कांग्रेस दिन प्रतिदिन हाशिए पर जाती दिखाई दे रही है। बावजूद इसके कांग्रेस के दो दिग्गजों की जुबानी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है और एक के बाद एक बयान पार्टी को असहज करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर बीते दिनों खुद पार्टी के प्रदेश प्रभारी से लेकर प्रदेश अध्यक्ष तक ने भी बड़े नेताओं को नसीहत दी है। लेकिन हालात वही है, ढाक के तीन पात ही रहे। अब दोनों नेताओं के बीच चल रही जुबानी जंग को लेकर कांग्रेस के संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कार्यकर्ता भी खुद को असहज होता हुआ दिख रहे हैं। दरअसल कांग्रेस की महिला प्रदेश अध्यक्ष ने कहा है कि दोनों ही नेता बड़े हैं और ऐसे में हरक सिंह रावत और हरीश रावत को सोशल मीडिया पर जंग छोड़ने से बेहतर होगा कि वह एक बेहतर प्लेटफॉर्म पर आकर अपनी बात को रखें और जिससे पार्टी के कार्यकर्ताओं का मनोबल ना टूटे। वही पार्टी के प्रदेश महामंत्री संगठन विनय सारस्वत ने कहा है कि बड़े नेताओं को खुद में आत्मचिंतन करने की जरूरत है, जिससे पार्टी हाशिए पर ना जाए। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी के दिन भंवर में है, लेकिन बड़े नेता इस तरीके की बयानबाजी कर रहे हैं जिससे पार्टी को नुकसान हो रहा है और दिन प्रतिदिन देखने को मिल रहा है कि पार्टी के नेता पार्टी का दामन छोड़ करके भी जाने को मजबूर हो रहे हैं। क्या कुछ प्रतिक्रियाएं हैं इस मामले पर, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करते हैं। शाह जी और हरक सिंह रावत जी के बीच में चल रहा है जो सोशल प्लेटफॉर्म और मीडिया में आ रहा है, वो नहीं होना चाहिए। हम लोगों को भी लगता है, कांग्रेस के हर कार्यकर्ता को जो कांग्रेस को चाहता है, कांग्रेस के लिए काम कर रहा है, जो कांग्रेस का दर्द के लिए दर्द ले रहा है, उसको लगता है कि हमारे जो बड़े नेता हैं, चाहे वो हरक सिंह रावत जी हो चाहे वो हरीश रावत जी हैं, उनको सोशल प्लेटफॉर्म में या मीडिया के सामने इस तरीके की बात स्टेटमेंट नहीं देनी चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान तो है ही। नहीं, लड़ाई कोई नहीं है, वक्तव्य दिए गए, उन्होंने भी दिए हैं, लेकिन हमारे अध्यक्ष श्री करण महाराज जी ने सभी लोगों से अपील की है कि इन ऐसे बयानों से बचें, किनारा करें और जो बात हो पार्टी फोरम पर रखकर, मैं समझता हूँ धीरे धीरे इसका पालन भी होगा और पार्टी अब धीरे इस चुनाव के बाद अनुशासन में आएगी और मजबूत विपक्ष के रूप में। हरीश रावत जी और हरक सिंह रावत जी अपनी राजनीतिक जमीन बचाने के लिए जबरदस्ती की फूफा कर रहे हैं, जमीन पे निपट चुके हैं पूरी तरह से, जनता ने निपटा दिया है और मुझे लगता है कि जब जनता निपटा देती है तो कितनी फूफा कर लीजिए आप, फिर कुछ बचता नहीं है। उत्तराखंड के लोगों ने नकार दिया है ऐसी राजनीति करने वालों को जो व्यक्तिगत हितों के लिए राजनीति करते हैं, और मुझे लगता है कि उनकी राजनीतिक जो पारी है वो अब लगभग समाप्ति की ओर है। वो एक बुझता हुआ दिया है जो अपने अंतिम क्षणों में फड़फड़ा के एक ये दिखा रहा है कि मैं अभी जीवित हूँ, लेकिन जब ये माना जाता है कि जब दिए की लौ ज्यादा फड़फड़ाने लगे तो ये माना जाता है कि अब दिया बुझने के कगार पे। तो उत्तराखंड में कांग्रेस में जिस तरीके से जो कलह देखने को मिल रही है, सतही कलह, अब वो सामने उभर करके सामने आने लगी है। लगातार कांग्रेस के नेताओं का ये दर्द उभर करके सामने आ रहा है और जनता के सामने ये दर्द भी बयां करते नजर आ रहे हैं कांग्रेसी नेता, और साफ तौर पर ये हवाला भी दिया जा रहा है दरअसल कि कांग्रेस के अंदर जिस तरीके से अंदरूनी कलह जो है वो थमने का नाम नहीं ले रही है और जिस वजह से कांग्रेस में वो रहने के लिए भी अब कहीं ना कहीं उन्हें दिक्कत हो रही है। और वजह यही है कि पिछले दिनों जिस तरीके से देखने को मिला है कांग्रेस के नेता कांग्रेस का दामन छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी का उन्होंने दामन थामा और इसके साथ ही कुछ नेताओं ने तो आम आदमी पार्टी का भी दामन थाम लिया। आने वाले समय में पंचायती चुनाव है और उसके साथ ही साथ आपको बता दें कि 2024 के लोकसभा चुनाव भी हैं। सभी राजनीतिक दल उत्तराखंड में अपने आप को मजबूत करने की दिशा में लगातार जुटी हुई हैं, लेकिन कांग्रेस की जो अंतरकलह है वो अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है। 2017 के विधानसभा चुनाव हारने के बाद ये माना जा रहा था कि आने वाले समय में कांग्रेस में जो अंतरकलह है, जो अंतर विरोध है, वो कहीं ना कहीं खत्म होने का नाम ले सकता है, लेकिन उसके बाद भी 2022 के विधानसभा चुनाव में भी करारी हार मिली। बावजूद इसके अभी भी अंतरकलह जो कांग्रेस के अंदर है वो थमने का नाम नहीं ले रही है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ कुछ मेहमान है, परिचय करा देते हैं आपका। विनय गोयल जी हैं, प्रदेश प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी का, आपका बहुत बहुत स्वागत है गोयल साहब जी। उमा सिसोदिया जी हैं, उपाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी की, उमा सिसोदिया जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और गरिमा दसौने जी हैं, कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, गरिमा जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत है।
मुझे लगता है सबसे पहले किसी के पास जाए उससे पहले गर्मा जी आपका ही रुख कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपकी पार्टी में जो अंदरूनी कलह देखने को लगातार मिल रही है, नेताओं का जो दर्द सामने आ रहा है वो भी किसी से छिपा नहीं है। अभी तक तो आप लोग कह रहे थे लगातार कि दरअसल पार्टी के अंदर सब कुछ ठीक है, ये केवल अफवाहें फैलाई जा रही हैं, ये केवल सिगुफा छोड़े जा रहे हैं, लेकिन अब जो दर्द सामने बया हो रहे हैं निकल करके आ रहे हैं, अब तो ये नहीं कहा जा सकता कि दरअसल ये अफवाह है, ये केवल हवा फैलाई जा रही है। नहीं, बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। उनको हतोत्साहित भी किया है और मेरे अध्यक्ष ने, प्रभारी ने ये साफ तौर पर कल बैठक में कहा कि ये भावुकता के क्षण ही सही, ये उत्तेजना के क्षण ही सही, लेकिन इनसे बाज आना चाहिए नेताओं की, क्योंकि कहीं ना कहीं अपने अपने क्षेत्रों में ये नेता बहुत स्ट्रांग होल्ड रखते हैं और कोई कार्यकर्ता नहीं है, और अगर इनको विपक्ष कमजोर नजर आ रहा है, अगर इनको आपस में एक दूसरे पर छिटाकशी करती सही प्लेटफॉर्म पर करें, ये कहने के साथ साथ मैं योगेश जी ये जरूर कहूंगी कि एक तरफ कांग्रेस है जो चाहे सत्ता में रहे चाहे विपक्ष में रहे, उसमें बहुत मतभेद मनभेद ये सारी जो खबरें हैं वो सतह पर होती है, लेकिन वही दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी भी मुझे लगता है इंसानों की बनी है, रोबोट्स की नहीं या किसी दूसरे तरह के चीज भारतीय जनता पार्टी में नहीं, सबकी भावनाएं, सबकी भावनाएं और टीकाकरण है या जो तिरकुटवल है वो कारण पता नहीं जो भी रहा हो, सरकार विरोधी बातें ना किए जाने की ताकीद की गई हो या जो कुछ भी हो, कारण जो कुछ भी रहे हो, लेकिन हमें ये अंदर पता है और अखबारों के माध्यम से भी, जैसे मैं बानगी के तौर पर आपको बताना चाहती हूँ, जब बजट सत्र गैरसैंण में नहीं हुआ, खुलकर त्रिवेंद्र रावत जी सरकार के खिलाफ बोले, खुलकर बोले कि ये गलत हो रहा है, ग्रीष्मकालीन राजधानी में ही बजट सत्र होना चाहिए। कितने चैनलों ने डिबेट करी कि मतभेद हो गया जी त्रिवेंद्र जी और पुष्कर धामी का। अब पुष्कर धामी उमेश कुमार के साथ गलबैया डाल रहे हैं, वही उमेश कुमार जिसने त्रिवेंद्र के ऊपर, पूर्व मुख्यमंत्री के ऊपर दुनिया भर के आरोप लगाए, झारखंड से पैसा खाने का आरोप लगाया, उनके निकटवर्ती सगे संबंधियों पर आरोप लगाया। कितने डिबेट चैनल्स में डिबेट हो रही है या कितने अखबार छाप रहे, दोनों गले मिलते हुए दिखाई पड़े कल, पुष्कर सिंह धामी और उमेश कुमार जो कि जानी दुश्मन है त्रिवेंद्र रावत जी के। यानी आप उमेश कुमार का कद कांग्रेस के कद के बराबर नाप रही है? नहीं नहीं, मैं नाप नहीं रही हूँ, मैं वहां के मतभेदों को आपके सामने ला रही हूँ कि ये मतभेद कभी चर्चा का विषय क्यों नहीं होते। ग्रीष्मकाल में जब बजट सत्र नहीं हुआ गैरसैंण में, तो बहुत सारे विरोधी स्वर भारतीय जनता पार्टी के, हमने खुद काउंटर बाइट दी है, नेताओं ने बहुत खुलकर बोला ये गलत हो रहा है जो हो रहा है, लेकिन वो कभी सतह पर नहीं आ पाते। लेकिन कांग्रेस में अगर एक मक्खी ने भी छींक मारी है, नहीं तो ऐसा नहीं है गरिमा जी, देखिए ऐसा नहीं है, गैरसैंण में जब सत्र नहीं हुआ तो उस पर भी चर्चा हुई है, ऐसा नहीं है, आप देखिएगा, आप यूट्यूब पर निकाल कर देखिएगा पुरानी जो चर्चाएं हैं, हमने खुद चर्चा की, इसलिए मैं बता रहा हूँ गरिमा जी, मैंने खुद चर्चा की है। चर्चा अलग बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो छेद है उन छेदों को उजागर करने की बात मैं कर रही हूँ, वहाँ भी प्रवक्ता की भिड़ंत होती है, वहाँ भी नेताओं की भिड़ंत होती है। नहीं, वहाँ भिड़ंत होती है, ठीक है गरिमा जी, यही तो भारतीय जनता पार्टी से सीखने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो मतभेद देखने को मिलता है, दरअसल वो अपने आप को छिपा ले जाती है, वो अपने नेताओं को, अपने विधायकों, सांसदों को जो है वो मैनेज कर ले जाती है, यही तो मैनेजमेंट होता है राजनीतिक दलों का, और वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है, तभी तो वो बाहर कलह नहीं आ पाती, और दिन प्रतिदिन भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होती चली जा रही है। ठीक है, आएंगे आप, ठीक है, एक कमेंट लेते हैं गर्मा जी, एक कमेंट लेते हैं, उसके बाद आते हैं आपके पास। विनय जी, कितना बड़ा फायदा भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड में नजर आ रहा है, जिस तरीके से कांग्रेस के अंदर ये फुट नजर आ रही है, उसका कितना लाभ बीजेपी उठा पाएगी? अरे इनका तो सर कढ़ाई में है, भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दल की सोच से अपने योजना नहीं बदलती, भारतीय जनता पार्टी का अपना काम करने का तरीका है और हम अपने हिसाब से चलते हैं। मुझे लगता है कि आज जिस प्रकार से कांग्रेस की प्रगति हो रही है और तो गरिमा जी ने कमाल कर दिया, जब इन्होंने हरीश रावत जी और हरक सिंह रावत जी को मक्खी बता दिया कि वो मक्खी की छींक मारने बराबर हो गए, कभी कभी वो चीज मैंने देखे कि अगर हरीश रावत जी का काम भी किया जाए तो
फर्क किसको पड़ता है किसको नहीं पड़ता है ये तो ठीक बात है, कांग्रेस के अंदरूनी मामला है। उमा सिसोदिया जी, जी सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर जनता के लिए उठता है क्योंकि मेन विपक्ष की भूमिका जो है वो कांग्रेस निभा रही है वहां पर, और ऐसे में कांग्रेस की अंदरूनी कलह से ही कांग्रेस के अंदर जो नेताओं का जो जाने का सिलसिला है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। नेता जो है पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं वो उनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता की जो आवाज़ है, अगर सरकार भटकती है अपने मार्ग से सदमार्ग से, तो विपक्ष का काम होता है उसको सही दिशा पर लाने का और जताने का, लेकिन कांग्रेस तो अपने में ही परेशान है, तो जनता के मुद्दों को उठा कैसे पाएगी? सबसे बड़ा नुकसान किसका? देखिए, मैं गरिमा जी की बातों को मैंने बहुत ध्यान से सुना और मैं बहुत हद तक उनकी बातों से सहमत हूँ। मैं समझती हूँ कि आज हमें अगर डिबेट रखनी चाहिए तो जो हमारे गांव गधेरों में बुरी तरह से पानी आया हुआ है, हमारे क्षेत्रों से बच्चियां उस पानी में बह गई हैं, उससे नहीं बना पाई है सरकार नदियों की सफाई नहीं कर पाई, हमें उन विषयों पर डिबेट रखनी चाहिए। हम क्यों हर सिंह रावत और हरीश रावत के आपसी मुद्दे पर डिबेट उन विषयों पर भी होती है चर्चा उन विषयों पर होती है लेकिन रोज रोज नहीं की जा सकती ना। नहीं, मैं गरिमा जी की बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। हर सिंह रावत और हरीश रावत जी की आपस की खींचतान इतना बड़ा मुद्दा नहीं है कि मीडिया में उसको इश्यू बनाया जाए। मीडिया में इश्यू बनाइए, आप सरकार को घेरने का काम कीजिए। अगर विपक्ष अपनी भूमिका निभाता है तो एक गरिमा में। अरे उमा जी, कैसे नहीं मुद्दा है, आप बताइए, एक सेकंड सुन लीजिए। हमारा सवाल ही आपसे यही था, सरकार को आईना दिखाने का काम जितना मीडिया का होता है उतना ही विपक्ष के का भी आईना दिखाने का काम मीडिया का होता है। जब विपक्ष ही अपने में आपस में ही लड़ रहा है, विपक्ष अगर सरकार का काम क्या होता है? काम करने का जनता के प्रति, जनता को विकास के पथ पर ले जाने का, राज्य को विकास के पथ पर ले जाने का। अगर राज्य के विकास को पथ पर ले जाने में अवरोध उत्पन्न हो रहा है तो कौन उठाएगा आवाज? हम उठाएंगे, ये विपक्ष के जनता विपक्ष के सदस्य उठाएंगे ना, विपक्ष के जो लोग होंगे वही उठाएंगे। और अगर वो नहीं उठा रहे हैं तभी इस मुद्दे को लेकर के हम आए हैं कि वो आपस में ही लड़े जा रहे हैं, जनता के मुद्दों का कोई ख्याल नहीं। आप सरकार पर तमाम सारे आरोप लगा रहे हैं। अरे महोदय, लड़ने दीजिए ना हरक सिंह रावत और हरीश रावत को, वो कांग्रेस जाने, उनका अंदरूनी मामला है। आप और हम क्यों इतना परेशान है कि हरक सिंह जी ने क्या बोला? परेशानी है उमा जी आपको नहीं होगी लेकिन मुझे है, क्योंकि जनता का नुकसान हो रहा है इसलिए मुझे परेशानी है। क्या और भी तो नेता है कांग्रेस? मुझे परेशानी इसलिए है, मुझे परेशानी इसलिए है क्योंकि वहां की जनता का नुकसान हो रहा है। अगर आप सरकार पर सवाल उठा रहे हैं तो आप उन चीजों को सामने लेकर के आइए ना। आप केवल घर पर बैठ करके, सोशल मीडिया पर बैठ करके या हमारे साथ चर्चा करके केवल आप सरकार पर आरोप लगाने के हकदार नहीं है। आप उन मुद्दों को उठाना पड़ेगा, जमीनी स्तर पर आपको निकलना पड़ेगा। नहीं बिल्कुल, मैं आपसे बोल रही हूँ। मैं क्या बोल रही हूँ, आप भी हरक सिंह रावत और हरीश रावत जी को जाने दीजिए, पुराने जमाने के नेता हो गए हैं, उनकी राजनीति जितना होनी थी वो हो चुकी है। आप दूसरे लोगों पर डिबेट कराइए ना, कांग्रेस में भी दूसरे लोग हैं, बीजेपी में भी दूसरे लोग हैं, वहां पर भी कोई दूसरा नेता तो है ऐसा नहीं है। लेकिन घूम फिर के रोज हरक सिंह रावत, रोज हरीश रावत, जिस भी चैनल पर बैठो, इन दोनों के अलावा कोई तीसरी बात ही नहीं हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे पूरा मीडिया सिर्फ इन दोनों के पीछे पड़ा हुआ है। अरे आप, हजारों मुद्दे उत्तराखंड में और भी हैं जिनके ऊपर हमें चर्चा करनी चाहिए और गोयल जी यहाँ पर बैठे हैं, इन्हें अच्छे सुझाव विपक्ष को देने चाहिए ताकि ये जाके सरकार को बताएं और सरकार उन मुद्दों पर काम करे जनता के लिए।
हम मतलब मेरा कहने का, देखिए आप बुरा मत मानिएगा, आप मीडिया है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि व्यर्थ की बातों पर डिबेट ना रखी जाए तो ज्यादा बेहतर है। ठीक है गरिमा जी, बहुत हल्के में हरक सिंह रावत जी को और जिस तरीके से यानी हरदा और हरक दोनों साहब को बड़े हल्के में उमा जी ले रही हैं, कह रही हैं इनका तो करियर ही खत्म हो गया राजनीतिक, अब इन पर कोई चर्चा करने का विषय नहीं, आप लोग खुद ही जो जिस तरीके से उनको तवज्जो दे रही हैं, यानी आपको भी उनको साइडलाइन ही कर देना चाहिए दोनों नेताओं को, न रहेगी बात न बजेगी बात छोड़ी, ये तो उमा जी कह रही है सीधे। और मैं 12 जुलाई को प्रेमचंद अग्रवाल जी से मिलने के लिए किसी मुद्दे पर गई थी विधानसभा, और ये मैटर है लगभग 10-11 जुलाई का, 10 को या 11 को हरक सिंह जी ने हरीश रावत जी की किसी फेसबुक पोस्ट के लिए कहा था कि ऐसा तो कोई नादान बच्चा भी नहीं करता, ये नया नवेला पॉलिटिशियन भी नहीं करता। तो आप सोचिए 10 जुलाई से अगर 18 जुलाई तक हमारे मीडिया में केवल ये दो नेता छाए हैं, वो प्रदेश किस दिशा में जाएगा। ठीक कहा उमा ने, पेड़ कट रहे तहसधारा में, गंजा कर दिया गया तहसधारा, तो हम भी कह रहे हैं ना कि आप अपने शीर्ष नेतृत्व को सजेशन दीजिए कि इन दोनों नेताओं को साइडलाइन कर दें। नदी नाले में बह रही है, स्मार्ट सिटी का काम इतना जोरों से चल रहा है कि जलमग्न हो जा रहा है, धरना प्रदर्शन दिया, आप सड़कों पर उतरी गयी, मैं बता रही हूँ, बोलने दीजिए योगेश जी, नहीं आप बोलिए, आप बात रखिए ना, आप बोलिए, मैं बता रही हूँ ना आपको अपने प्रदर्शन जो आप कह रहे हैं ना, मेरी महिला कांग्रेस ने महंगाई के ऊपर जबरदस्त प्रदर्शन किया, और कल यानी कि 19 तारीख को हम सचिवालय घेराव कर रहे हैं, जो सरकारी विभागों में भर्तियों में बंदरबांट हो रही, फर्जीवाड़ा हो रहा है, इस उत्तराखंड के युवाओं के साथ छलावा हो रहा है, अन्याय हो रहा है। उसके अलावा महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, रुपये का डॉलर का मुद्दा हो, अर्थव्यवस्था का मुद्दा हो, जीएसटी जो लागू हो गई, अब आप सोचिए आज का अखबार कहता है कि जीएसटी लागू हो गई आटे पर, पनीर पर 40 रुपया किलो आटा बिक रहा है, कानून में जूनी रहेंगी मीडिया की भी। और मैं उमा को, यहाँ पर उमा भी है और विनय गोयल जी भी है, एक चौंकाने वाली बात बताऊं, मैं किसी चैनल पे डिबेट में थी, मुझे चैनल का नाम याद नहीं आ रहा, अभी 2 दिन पहले, और उमा तुम हतप्रभ रह जाओगी कि रविंदर जुगरान जी से जब मैंने कहा कि दल बदल पर आप डिबेट में मत आइए, क्योंकि आप भी दल बदल करके आए हैं, 44 लोग कांग्रेस छोड़कर जिस दिन गए थे, परसों की बात है, तो रविंदर जुगरान जी को मैंने ललकारा कि मुकाबला बराबर के लोगों में होता है, मैं खाटी कांग्रेसी बैठी हूँ, मेरे सामने खाटी भाजपा ही लाइए जो किसी दल में ना गया हो, वो यहाँ पर नैतिकता का पाठ और विचारधारा की बात और नीति रीति की बात करेगा तो मैं सुनूंगी, बाकी रविंदर जुगरान जो घाट घाट का पानी पीकर आ चुके हैं, एनएसयूआई में रहे कांग्रेस के, फिर भाजपा में गए, भाजपा से आम आदमी पार्टी में गए, आम आदमी पार्टी से भाजपा, तो रविंदर जुगरान जी का जवाब मैं तुम्हें बताना भी चाह रही थी, उन्होंने कहा मैं किसी खास मकसद के तहत अपनी पार्टी के द्वारा आम आदमी पार्टी में भेजा गया था, मैं वहां प्लांटेड था, ये रविंदर जुगरान के शब्द हैं, अगर लोकतंत्र के प्रहरी और भ्रष्टाचार मुक्त भारत की बात करने वाले व्यक्ति इतने बड़े भैरूपिये और जासूस होंगे तो किस ओर जा रहा है प्रदेश, अब आप खुद कौन खत्म कर रहा है, मैं यही कौन, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड गरिमा जी रुक जाइए, सुन लीजिए, कौन खत्म कर रहा है लोकतंत्र के प्रहरी का, आप जो ये बड़ा हवाला दे रही है, आप ही खत्म कर रहे हैं ना, भारतीय जनता पार्टी ही खत्म कर रही है ना, ये सारे राजनीतिक दल ही कर रहे हैं ना, आपने एक सेकंड सुन लीजिए, एक सेकंड सुन लीजिए, मैं ठीक समझ रहा हूँ, रविंदर जुगरान के लिए ये शब्द, अरे मैं उसी के, एक सेकंड सुन लीजिए गरिमा जी, एक सेकंड बात सुन लीजिए, देखिए अभी आप समझ जाएंगे, अभी आप समझ जाएंगे, ये जो आम आदमी पार्टी में मुझे मेरी पार्टी ने प्लांट किया था, बात तो सुन लीजिए, सारे राजनीतिक दल ऐसे करते हैं, भेजा गया था आम आदमी पार्टी में, कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक बात है, ये मैं आपके चैनल के लिए नहीं कह रही, मैं रविंदर जुगरान, मैं अपने चैनल के लिए कह नहीं रहा, मेरे चैनल के लिए आप क्या बोलेंगे, ठीक है सुन लीजिए, अरे गरिमा जी सुन तो लीजिए, बात तो सुन लीजिए एक सेकंड, आप ही लोग यानी आप में सभी लोग आते हैं, सभी राजनीतिक दल अपने हित के लिए, आप हवाला जनता के हित का जरूर देते हैं हमेशा, कि जनता के हित की बात नहीं हो रही, हमने इसलिए इस दल को छोड़ दिया और इस दल को ज्वाइन कर लिया, आप केवल और केवल अपना हित साधते हैं, जिस दिन जनता का हित साधने लगेंगे उस दिन दल बदलने की जरूरत जितनी बड़ी मात्रा में पड़ रही है ना, नहीं पड़ेगी, क्या हुआ, नहीं सुन लीजिए, ये केवल कांग्रेस नहीं है, सभी राजनीतिक दलों में होता है, सभी राजनीतिक दलों में होता है, मैंने हवाला क्यों दिया, मैं ये विधानसभा और प्रेमचंद अग्रवाल जी को इसलिए लाई कि आज एक हफ्ता हो गया इसी मुद्दे पर बाइट देते हुए, कुछ तो जन सरोकारों की बाइट भी ले लो या चैनल में डिबेट करा लो, इसलिए जन सरोकारों की बातें भी होती है, ऐसा नहीं, ठीक है
आते हैं, घर में आते हैं, आपके पास आते हैं। सत्ता पक्ष के ऊपर जिम्मेदारी होती है प्रदेश चलाने की, लेकिन हफ्ते भर की डिबेट अगर आप उठाएंगे तो 5 डिबेट इस बात पर होगी कि विपक्ष कैसे घिरे। नहीं, विपक्ष कैसे नहीं गिरे, विपक्ष की जो जिम्मेदारी है, शायद आप खुद सोचिए, विपक्ष की जो जिम्मेदारी है क्या वो बखूबी निभा रही है, क्या क्या निर्वहन कर रही है, क्या क्या वजह है, आप खुद सोचिए। आपके इतने बड़े बड़े नेता, आप खुद सोचिए कि आपके इतने बड़े बड़े नेता जो है वो खुद अपनी पार्टी पर ही सवाल उठा रहे हैं, अपनी पार्टी पर ही सवाल उठा रहे हैं, तो जाहिर तौर पर जो दिखेगा ना वो उस पर तो सवाल उठाए जाएंगे। ठीक है, नहीं चर्चाएं होती है, सभी मुद्दों पर चर्चा होती है, शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार सारे मुद्दों पर चर्चाएं करते हैं हम। अच्छा ठीक है, विनय गोयल जी, गरीब आदमी अपने बच्चों को महंगे स्कूलों में पढ़ाने का सपना देखता था, धन सिंह रावत ने नई शिक्षा नीति के तहत उसको खत्म कर दिया और कहीं भी उस की आवाज नहीं आई। पूछ ले रहे हैं, विनय गोयल जी बैठे हुए बता देंगे। विनय गोयल जी, देखिए मुझे लगता है कि जो लोग या जो नेता अपने प्रदेश अध्यक्ष को और प्रदेश प्रभारी को कुछ न समझते हो और उनके कहने के बावजूद उनके निर्देशों का पालन ना करते हो और जानबूझकर उससे ज्यादा बोलते हो तो ये चर्चा तो रहेगी। अगर आप में जरा भी शर्म लिहाज होती तो आप आपके प्रदेश प्रभारी ने, आपके प्रदेश अध्यक्ष ने अगर कोई बात कही है और उसका आप मान रखते तो तब तो चर्चा का अंत होता, लेकिन आप तो चाहते हैं कि ये चर्चा होती रहे। आपके जिन नेताओं की बात की जा रही है गरिमा जी, वो चाहते हैं ये चर्चा होती रहे क्योंकि इसी से उन्हें माइलेज मिल रहा है, उसी से और तो कहीं, जैसा कि मेरे पूर्व यहाँ पर जिनकी मैं बात सुन रहा था, संजीव वर्मा जी बता रहे थे कि वैसे तो वो अब कहीं उनका वजूद रहा नहीं, तो वो इसी तरह की नेगेटिव चर्चा करते ही सही क्या हुआ, चर्चा में तो है, चाहे हम हमारी आलोचना ही हो रही है, चाहे कुछ भी कर रहे हैं, मुझे पारिवारिक लोग हैं वो कोई करते हैं उनके लिए, बाकी कुछ भी करते लोग, ज्यादातर लोग इधर उधर हो गए हैं, तो मुझे लगता है अगर कार्यकर्ता उनके पीछे होते गरिमा जी तो आज उनकी ये स्थिति ना होती, और अगर कार्यकर्ताओं की वास्तव में चिंता करते तो जब 6 साल के लिए प्रणव चैंपियन को बाहर किया, 2 साल में अंदर कर लिया, बड़ा अनुशासन था भाई। हमने कहा ना, देखिए गरिमा जी, हमने कहा ना सभी एक जैसे हैं। वीर सोनी है, क्या नाम है उसका, उसे उसने जो है नेम प्लेट ही हटा दी तो वहाँ लठम लट हो गई रात के 10 बजे भाजपा के कार्यालय में, जब अजय भट्ट की नेम प्लेट हटा के दूसरे की नेम प्लेट लगा। ठीक है भाई, सभी एक जैसे हैं, सभी हमने पहले ही कहा, हमने चर्चा की शुरुआत में ही यही चीज कही कि सारे राजनीतिक दल एक जैसे ही हैं। अगर ये राजनीतिक दल ये चाह ले
हमें सुधरना है, तो सारे नेता जो है यार कांग्रेस सुधर जाएंगे। विनय गोयल जी एक सेकंड आते हैं आपके पास, आते हैं गहना जी आपके पास भी आते हैं, एक सेकंड जाइए, उमा जी का पक्ष ले लेते हैं। उमा जी, लगातार जिस तरीके से कांग्रेस के जो नेताओं में टूट देखने को मिल रही है, देखिए ये बात अलग है, कही जा रही है कि दरअसल टॉपिक नहीं मिलता है चर्चाओं का, ऐसा नहीं है, टॉपिक अलग अलग होते हैं और प्रतिदिन अलग अलग मुद्दों पर चर्चा होती है, तो ऐसे में लेकिन आज जिस मुद्दे पर चर्चा की जा रही है कि कांग्रेस के नेताओं का जो टूटना है, वो सबसे बड़ा फायदा क्या उत्तराखंड में वास्तव में आम आदमी पार्टी को होने वाला है क्या, क्योंकि आने वाले समय में जिस तरीके से पंचायती चुनाव है, उसके बाद लोकसभा के चुनाव है, हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने जो उम्मीद रखी थी उन उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाई है, जनता ने इतना साथ नहीं दिया है, आने वाले समय में क्या सबसे बड़ा फायदा आम आदमी पार्टी इसका उठा पाएगी? देखिए, कांग्रेस के अंदर जो टूट है वो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, उसमें आम आदमी पार्टी अब फायदा या नुकसान की स्थिति में अपने आप को नहीं देखती है। जो लोग आम आदमी पार्टी में आना चाहते हैं सहर्ष, हम उनका स्वागत अपनी पार्टी में, अपने दल में बिल्कुल हृदय खोलकर हम कर रहे हैं। ये तो कांग्रेस को अपने अंदर देखना है कि वो अपने जो टूट है वो उसको कैसे बचाए, ये उनका अंदरूनी मामला है उनके यहाँ। मैं इससे कुछ बहुत ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी कि उनके यहाँ क्या क्या प्रॉब्लम्स है, वो अपनी प्रॉब्लम्स को खुद देखें। हम सिर्फ कांग्रेस के जो अच्छे लोग अगर आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते हैं तो हम पूरी तरह से उनका मतलब हृदय की गहराइयों से हम उनका स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। और ये बात तो देखिए, कांग्रेस को खुद अपने अंदर एक बार आत्मावलोकन करना पड़ेगा कि ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि लगातार 40-40 साल तक जिन लोगों ने कांग्रेस की सेवा की वो आज कांग्रेस छोड़कर आम आदमी पार्टी या बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो कुछ ना कुछ तो ऐसी स्थिति जरूर है जो कांग्रेस के यहाँ ठीक नहीं चल रही है और कांग्रेस उस स्थिति से अपने आप को बाहर निकाले, क्योंकि देश की सबसे पुरानी पार्टी है और देश का एक मजबूत विपक्ष आज भी कांग्रेस है। और मैं इस बात को बहुत बार लगभग हर चैनल में इस बात को मैं स्वीकार करती हूँ कि आम आदमी पार्टी को वो स्थान अभी उत्तराखंड में नहीं मिला है जिसकी हमने उम्मीद की थी, लेकिन 3.5% से ज्यादा वोट के साथ हम लोग मजबूती के साथ अपनी एक नींव उत्तराखंड में रख चुके हैं, जिससे कि जिसमें कि हम आगे बुलंद इमारत का निर्माण जरूर करेंगे। लेकिन कांग्रेस का वाकई में जो हश्र है, अगर मैं एक सामान्य नागरिक की तरह से बाहर से अगर मैं कांग्रेस को देखूं तो वाकई में मुझे लगता है कि 137 साल पुरानी पार्टी के साथ आज ऐसा नहीं होना चाहिए और इतना डिमोरलाइज भी इन लोगों को नहीं होना चाहिए। कांग्रेस को एक स्पार्क की जरूरत है, अगर वो स्पार्क कांग्रेस में निकल कर आता है तो कांग्रेस अपने आप को दोबारा रिवाइव कर सकती है। लेकिन उम्मीद यही है कि जिस तरीके से बीजेपी ने खासतौर पर विपक्ष को पूरी तरह से घेर रखा है, आप ये देखिए ना, सत्येंद्र जैन जी का कितना बड़ा उदाहरण हमारे सामने दिल्ली में है। सत्येंद्र जैन जी को आपने पकड़ के 20-25 दिन के लिए जेल के अंदर डाल दिया, उसके बाद ये कह के छोड़ दिया कि आपके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। ईडी में राहुल गांधी जी को आप पूरी तरह से परेशान करते हैं, रोज उठा के आप उनको थाने चौकी बुला लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि हमारे पास कोई सबूत नहीं मिला। तो ये सब जो चीज चल रही है देश में, मैं कोई कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रही हूँ, लेकिन मैं ऐसे विपक्ष में बोलती हूँ कि जो सत्येंद्र जैन जी के साथ, राहुल गांधी जी के साथ इस तरह की घटनाएं होती है। एक और घटना मैं आपको बताऊं, केजरीवाल जी को सिंगापुर नहीं जाने दिया जा रहा है जबकि सिंगापुर गवर्नमेंट ने उनको इन्वाइट किया है और जून में केजरीवाल जी अपनी एप्लीकेशन एलजी के सामने लगा चुके हैं कि मुझे। लेकिन आपका जो यही कहना है कि कांग्रेस को भी कहीं ना कहीं आत्मचिंतन करने की जरूरत, आत्मचिंतन करने की आवश्यकता है। फिलहाल चलिए, आप विनय गोयल जी का बहुत बहुत शुक्रिया, उमा सिसोदिया जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, गर्मा दसौने जी हमारे साथ जुड़ी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार जिस तरीके से कांग्रेस में बगावत देखने को मिल रही है, कांग्रेस को आत्मचिंतन और आत्म अवलोकन की जरूरत है कि वजह क्या है कि कांग्रेस के नेता, इतने सीनियर नेता कांग्रेस पर ही सवाल उठा करके पार्टी को छोड़ करके दूसरे नेताओं को दूसरे पार्टी का रुख करने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इसलिए अब जिस तरीके से कांग्रेस जरूर ये कह रही है कि दरअसल अंदर खाने सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन ठीक नहीं चल रहा है, आत्मचिंतन की जरूरत अभी भी कांग्रेस को है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।